अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, आज की फर्स्ट स्टोरी हमारे पास PTCL और यूफोन के टूर्नामेंट गेम की अरीना से रिलेटेड है। गाइज, इस टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और 1 फरवरी से 8 फरवरी तक इसके ऑनलाइन क्वालिफायर भी होने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी टीम वगैरह रजिस्टर नहीं करवाई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप जाकर टीम रजिस्टर करवा सकते हैं। और गाइज, इसी टूर्नामेंट पर रिएक्ट करते हुए हमारे कास्टर आदि ने कहा, थैंक यू यूफोन PTCL फॉर सपोर्टिंग लोकल गेमिंग कम्युनिटी, मच अप्रिशिएटेड। तो गाइज, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास टीम UOL से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि टीम UOL से रिलेटेड कुछ रूमर्स वगैरह आ रहे हैं कि टीम UOL डिसबैंड होने वाली है, मगर उस टाइम रोलकेस ने इसी चीज से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करते हुए बताया था कि वो अभी एक ही टीम है और PMPL के लिए वो कोई स्पॉन्सर वगैरह ढूंढ रहे हैं। मगर गाइज, अब टीम UOL के कुछ प्लेयर्स की तरफ से कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह शेयर की गई हैं जिसको बजाय देखने से तो ऐसा ही लगता है कि टीम UOL डिसबैंड हो चुकी है। और क्रिप्टो से रिलेटेड भी कुछ लीक्स वगैरह निकल के आ रही है कि वो टीम क्वार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। मगर इसी से रिलेटेड क्रिप्टो अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में क्या बात करते हैं, आप खुद सुन लें। सफाई मिले क्या, टीम लीव अभी नहीं, अभी टीम नहीं लीव की, अभी टीम में। Are you joining QWERTY? No, bro. Who said I'm joining QWERTY? QWERTY तो भाई हैं, उनके साथ बातचीत होती है, मिलते हैं वगैरह। न्यू टीम बता दूंगा अगर न्यू टीम ज्वाइन करनी है यार। अभी कोई न्यू टीम नहीं, अभी नॉर्मल टीम अपनी। न्यू टीम ट्रायल आउट? नोप। भाई ये मीम भाई कायनात ने स्टोरी लगाई, आपने QWERTY ज्वाइन की है। वेमेन बस। तो गाइज, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास टीम बबलू से रिलेटेड है। गाइज, मैंने आप लोगों को अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था कि टीम बबलू शायद इरेंगल में अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज करने वाली है। तो इसी ड्रॉप लोकेशन से रिलेटेड टीम बबलू ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए इरेंगल में अपनी ड्रॉप लोकेशन मार्क की है। और मजीद टीम बबलू ने एज ए वार्निंग इसी स्टोरी में नीचे लिखा है, डोंट फॉरगेट द नेम बबलू सिटी। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि टीम बबलू ने जो वार्निंग लिखी है किन लोगों के लिए होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे पे गाड़ी कहीं? हाँ। और किधर है फ्लैट? मेरे पे, मेरे बिल्डिंग में। ओके। पीछे की साइड पे। ओके। अबे नहीं यार, भागते भागते लगे हैं, मुझे भागना ही नहीं चाहिए था भाई, वन वन ही ले लेता। भाई कौन है यार? भाई ये कहाँ से आ गए? तो बैन नहीं हुए? फुल फुल भाई, मैं फाइट ही ले लेते हैं भाई। कितने बंदे हैं? कितने? एक ही यार, मैं से वन वाले ले लेता हूं। एक से एक से एक ही। क्या भाई दिमाग खराब? हां एक ही था यार, लाइक कर रखो। जो प्यार है ले दो, ऊपर है शायद। करो मार दे, मुक्के मार, मुक्के मार, मुक्के मार। प्लस 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 यार, फिश करने देना क्यों दे भाई? अबे मैंने प्लस ले भाई। क्या यार ये अभी तक यार, एक तो मैं, मुझे लगा तुम लोग पहुंच जाओगे, मैं तुम लोग के टाइम बाय कर रहा था, भाग रहा था। मैं तुम लोग के टाइम बाय कर रहा था, भाग रहा था। ऐसे मैं फाइट लेता, मैं इसको मार भी लेता भाई, फाइट ले भाई। क्यों, कौन ये? नहीं हुए थे डिस्क्वालीफाई? नहीं हुए थे? बोला तो सब। अबे तू शबाब वाली साइड बिल्डिंग के निकलना, तो इस साइड पे निकल आता ना बाहर, आना तू अंदर, उस तरफ आना बिल्डिंग के। इतना टाइम तो निकल ही जाता बिल्डिंग के बाद। जान इसमें लास्ट मिनट पे आया, तो भाई स्टॉप कर ला रहे ना। अब ग्रैंड फाइनल्स है, हमारे एक बेंच गेम खराब करके गया और स्टॉप नहीं कराना, तो स्टॉप करा दे, गेम खराब कर दिया भाई। जाके बोल, एक 16 बंदा आया ग्रैंड फाइनल्स में भाई, बंदा मार के गया भाई। मैंने उसको मौके पे खराब यार, ऐसा ही कुछ अपनी दिखा ही। अच्छा सुन रहे है, वाह वाह भाई, सोलो आया, गेम खराब करके चला गया है। लॉक हुआ? अच्छा बढ़ गया। किधर मर रहा है? फिर जो तेरा पोस्ट में मेंशन करते फिर से नो है वाला सीन। किस वजह से डिस्क्वालीफाई यार? अब इतने सवाल मुझसे पूछ रहा, मुझे क्या पता भाई, मैं भी देख लेता, मुझे बस एक मैसेज फॉरवर्ड आता बस। फुल ई-स्पोर्ट्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस टूर्नामेंट फॉर फेलिंग टू मीट द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर POV एंड फर्दर वेरिफिकेशन। ये रहा, आप मुझसे ना पूछो क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है,
क्या वजह है क्या नहीं है, बस हो गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बस इतनी सी अपडेट्स थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।